आपकी रुचि क्यों रही पौराणिक पात्रों में मैं आदि शंकराचार्य से पहले वाली किताबों की बात कर रही हूँ आपकी आपकी बहुत रुचि रही क्या वजह रही कि आपको लगा कि लिखना चाहिए अब लिखने की वजह तो यह है कि जिस चीज से प्यार या मोहब्बत हो उसको रोकना नहीं चाहिए तो मैं तो ये, ये पुस्तक शंकराचार्य मेरी बाईसवीं पुस्तक है और मेरी पहली पुस्तक मिर्जा गालिब की जीवनी पर थी पर उसके बाद भारतीय मध्य वर्ग भारतीय होना भारतीय होने का अर्थ चाणक्य कितनी और किताबें आती गई है गुलदार साहब की मैंने चार वॉल्यूम्स का अनुवाद किया है उन्होंने मेरी एक लंबी कविता का अनुवाद किया है तो ये सब किताबें चलती रहीं पर इतना मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ राजनीति में रहते हुए आदि शंकराचार्य पर लिखना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि आप बिल्कुल किसी एक गूढ़ विचारधारा के अधीन काम कर रहे हैं और बीच में एक फोनो और बीच में एक बाइट या कोई पॉलिटिकल मीटिंग में जाना या कोई ऐसा कोई विषय आ जाना जिस पर सब कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ रहा है पर फिर भी इस पुस्तक को लिखने में जो एक सच में आनंद आया मैं आपको बताऊं कि हिंदू दर्शन में कहीं ये नहीं लिखा है कि यही एक सत्य है आदि शंकराचार्य खुद लोग कहते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और वो खुद लिखते हैं न मैं राग द्वेष न मैं मोह लोभ मदो नैव मैं नैव मात मात्सर्य भाव न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं हिंदू धर्म के धर्म अर्थ काम मोक्ष वो कहते हैं ये चारों नहीं है केवल क्या बचता है शिवो हम शिवो हम, शिवो हम शिवो हम। ये भी कहना कि मैं शिव हूं ये अपने आप में क्रांतिकारी है तो एक तरफ तो वो पुनर्जीवित किया इन्होंने हिंदू धर्म को और एक तरफ उनकी जो परिभाषा थी ब्रह्म की ब्रह्म और ये अपने आप में फिर से देखिए कितनी क्रांतिकारी बात है और इसका उपज तो उपनिषद में हुई चार हजार साल पहले जब लोग ईश्वर को ढूंढ रहे थे उपनिषद कहता है कि एक ब्रह्म है जो सर्वोच्च है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है जो अचिंत्य है जो अदृष्ट है जो निर्गुण है जिसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती जो उत्पत्ति और ग्रहण के परे है जो निर्विशेष चिन्ह मात्रा में अनडिफ्रेंशिएटेड कॉन्शियसनेस सर्व प्रत्याय दर्शन है ऑल नोइंग जो अखंड है, अविभाज्य है इंडिविजिबल है इस तरह की सोच जो प्रज्ञ है जो कॉन्शियसनेस जिसका आधार है और जो पूरे कॉस्मोस में एकम एक सर्वरूपम, हर जगह है यही है असलियत और यही है सत्य तो ऐसी सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी पर वही शंकराचार्य गुरु को बहुत मानते हैं वो लिखते हैं अपने एक शरीरम स्वरूपम रोग मुक्तम सुचारु चरित्रम धनम मेरु तुल्यम आपका चरित्र सुचारु है धनम धन आपका मेरु तुल्य है सदा आप रोग मुक्तम हैं शरीर से आप बहुत सुंदर हैं मनुष्य ने लगने गुरु अग्निपद में तथा किम तथा अगर आपने गुरु के पद को पैरों पर अपना मस्तिष्क नहीं झुकाया तो क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा क्या फायदा और वही लिखते हैं कि गुरु की कोई अस्तित्व नहीं है नहीं वही लिखते हैं मेरा जब कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में सत्य और असत्य के बीच एक गहन सोच है वो सत्य है ये कहना कि यह सत्य है ये नहीं सत्य है ये कहना कि ये सत्य नहीं हो सकता है कुछ और भी हो सकता है कुछ खोज और भी आगे जा सकती है ये सत्य है वो कहते हैं न मैं शंका न मैं जाति भेद पिता न व मैं न व माता न जन्मा पिता नै व मैं न व माता न जन्मा न बंधुर न मित्रम गुरु न व शिष्य न बंधु है न मित्र है न गुरु है न शिष्य है कुछ भी नहीं है क्या बचता है चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिद और आनंद केवल यही हमारा असल में अस्तित्व है इसकी प्राप्ति इसी इसी एक जीवन में आप कर सकते हैं मनन श्रवण चिंतन ध्यान मेडिटेशन जहां आपका अहंकार कम हुआ जहां आपके मन जो आपकी बुद्धि है शांत हुई आपके ही अंदर एक साक्षी है वो चित्त जागता है और आपको ब्रह्म अनुभव हो सकता है जिसकी परिभाषा केवल ये है ब्लिस एंड अवेयरनेस चिद आनंद और ये आपके हाथ में है इसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं